हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामी। तो अभी तक शायद आपने ये सुन लिया होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट ने, यानी कि जो दिल्ली के सीएम है केजरीवाल जी ने, यहाँ पे 10 पॉइंट प्लान जो है वो अब विंटर के लिए लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत जो वायु प्रदूषण होता है, यानी कि जो एयर पोल्यूशन होता है दिल्ली में, उसको रोकने की जो है वो कोशिश की जाएगी। और किस तरह से ये 10 पॉइंट जो है वो काम करेंगे, उसको हम लोग एक बार डिटेल्स में देख लेते हैं कि आपके एग्जाम के पर्पज से जो है ये महत्वपूर्ण हो सकता है। सो एक एक करके सारे 10 पॉइंट प्लान जो है उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको जो है वो चैनल पे मिलते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे ढंग से होती रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखोगे ये है केजरीवाल का ट्वीट, जहाँ पर इन्होंने बनाया कि 10 सूत्रीय प्लान जो है वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये 10 सूत्रीय प्लान जो है वो समझ में आ रहा है तो आप चाहो तो वीडियो यहीं पे जो है पॉज कर सकते हो, लेकिन इनको आगे मैं डिटेल्स में एक एक करके समझाऊंगा कि क्या चीज़ें जो है वो है। लेकिन इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इतना सब कुछ चल रहा है दिल्ली में पोल्यूशन को रोकने के लिए, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, तो ये पोल्यूशन का मुद्दा आखिर है क्या, किस तरह से जो है ये पोल्यूशन यहाँ दिल्ली में इतना ज़्यादा देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखोगे 2020 का जो यहाँ पे आंकड़ा देखा गया था, वहाँ पे जो मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी हैं, कैपिटल सिटी का मतलब जो राजधानी सिटी हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें पिछले 3 सालों से दिल्ली जो है वो पहले नंबर पे आ रहा है। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी कैपिटल के नाम से जो है वो दिल्ली पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है। अब इससे आप समझ सकते हो कि जो दिल्ली के पोल्यूशन है वो कितना ज़्यादा हेवी हो जाता है जब विंटर का टाइम जो है वो आता है। तो इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो अभी जो रिपोर्ट आया था स्वेज ग्रुप के द्वारा, वहाँ पे भी देखने को मिला कि जो अल्ट्रा फाइन पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, यानी कि PM2.5 जो होता है, ये बहुत ही आसानी से इतने छोटे लेवल पे होते हैं, इतने माइक्रो लेवल पे होते हैं कि ये बहुत ही आसानी से हवा के माध्यम से हमारे जो ऑर्गन्स है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस ऑर्गन को एक बहुत लास्टिंग डैमेज जो है वो पहुँचा सकते हैं। और इसके चलते आप देखोगे कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा कि ये बीमारियाँ कहीं ना कहीं जो है, अगर बहुत ज़्यादा दिन तक कोई दिल्ली में रहता है तो आपको लॉन्ग टर्म में जाके कोई ना कोई बीमारियाँ जो है इस पोल्यूशन की वजह से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अभी 2000 मार्च का जो रिपोर्ट था ये आया था यहाँ पे, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 बाई IQ एयर के द्वारा जो है आया था, और इसमें भी देखने को मिला कि दिल्ली में जो पोल्यूशन है, यानी कि जो PM2.5 है, उसका कंसंट्रेशन आप देखोगे तो 84.1 पर माइक्रोग्राम जो है यहाँ पे मीटर क्यूब भी जो है वो देखने को मिला। और दिल्ली का जो रैंक देखोगे आप तो जो टोटल 50 पोल्यूटेड सिटीज हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें से 10वां रैंक जो है वो दिल्ली का है, मोस्ट पोल्यूटेड रैंक जो है वो दिल्ली का आया। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि दिल्ली में पोल्यूशन की जो समस्या है वो कितना ज़्यादा जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो अभी का सोल्यूशन है वो क्या क्या है, क्या क्या सोल्यूशन जो है गवर्नमेंट जो है वो ला रही है। पिछले के पिछले साल जब आप देखोगे कि ऑड इवन कंडीशन जो है वो चल रहा था, उसके अगले साल जो है वो पटाखे जो है वो बैन कर दिया गया। इस तरह से जो है वो हर साल जैसे विंटर आता है तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो कुछ ना कुछ अपने सूत्रीय जो है वो लेके आती है। इस बार क्या है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो पहला है वो है बायो डिकम्पोजर फॉर अस्टेबल बर्निंग प्रॉब्लम्स। अस्टेबल बर्निंग प्रॉब्लम्स का क्या मतलब क्या होता है कि जैसे विंटर का मौसम जब शुरू होता है तो जो भी अनाज की जो उपज होती है उसके जो डंडी बच जाती है उसको जो है वो जला दिया जाता है, और उस जलाने से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो एक तरह से पैदा होता है। और वो पोल्यूशन जो भी दिल्ली के आसपास का रीजन है, NCR जो है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जो है सारा पोल्यूशन दिल्ली में आते हुए नज़र आता है। पिछले साल भी आप देखोगे जब तक जो अस्टेबल बर्निंग था ये हरियाणा और जो पंजाब वाले इलाके वहाँ पर नहीं किया गया था, तब तक दिल्ली में पोल्यूशन जो है वो कम था, लेकिन जैसे वहाँ पर हुआ उसके बाद से ये देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो दिल्ली में एकदम से आ गया, ये प्रॉब्लम जो है रहा गया है। तो अब जो भी अस्टेबल बर्निंग होता था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायो डिकम्पोजर का यूज़ किया जाएगा, और इसमें जो है गवर्नमेंट की मदद कर रहा है पूसा इंस्टीट्यूट जो है वो मदद कर रहा है। और ये दिल्ली जो है ये स्प्रे जो है एक तरह का फ्री है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा पंजाब अदर स्टेट जो है वो सेम ही ऐसा कर सकते हैं, ऐसा जो है ये बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 का, तो पॉइंट नंबर 2 जो है वो है एंटी डस्ट कैंपेन। एंटी डस्ट कैंपेन का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है वो 75 टीम्स ऐसे बनाएगी जो कि पूरे सिटी में जो है वो इसका सर्वे करेंगे, और
अगर कोई ऐसा मिलता है जो कि पूरा जो डस्ट पोल्यूशन है उसको वायलेट करता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा पेनल्टी, बहुत ज़्यादा फाइन जो है वो हैवी फाइन लगाएगी। तो ये जो है 75 टीम जो है पूरे दिल्ली में काम करेगी। जो तीसरा है वो है स्टॉप द गार्बेज बर्निंग, यानी कि जो कूड़ा कचरा होता है घरों से निकलता है या बाहर जाता है उसको भी जलाने से जो है विंटर के टाइम में बहुत ज़्यादा आप देखोगे कि पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा होते रहता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो है 250 टीम जो है वो बना रही है और इस प्रॉब्लम को जो है वो चेक करते रहेगी कि कहाँ कहाँ गार्बेज जो है वो बर्न किया जा रहा है। अगर कहीं बर्न किया जा रहा है तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है फाइन इम्पोज किया जाएगा, बहुत ज़्यादा फाइन जो है वो देना पड़ेगा। इसके बाद चौथा जो है वो देखोगे कि वो है बैन ऑन फायर क्रैकर फॉर अपकमिंग फेस्टिवल। जैसे कि आने वाले आप देखोगे अक्टूबर नवंबर में जो है दिवाली आ जाता है, ये पिछले 2-4 सालों से जो है बैन होते हुए आ रहा है लेकिन लोग मानते नहीं हैं और इस चीज़ें जो है वो देखने को मिलता है। जैसे दिवाली जाता है उसके बाद आप देखोगे दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या जो है वो लगातार बढ़ते चली जाती है। तो ये फायर क्रैकर जो है उस पर जो है वो बैन हर साल रहता है और इस साल भी जो है वो लगाया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं तो जो पाँचवा है वो है स्मॉग टावर इन नेशनल कैपिटल। स्मॉग टावर आपको पता होगा कि ऐसा टावर जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं, अभी दो जो है वो किए गए हैं सीपी पे, और आपको देखने मिलेगा कि जो आनंद विहार मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आनंद विहार पे। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे स्मॉग टावर जो है वो लगाए जा रहे हैं और ये स्मॉग टावर अपने जो विद इन 1 किलोमीटर के एरिया होगा वहाँ पे ये जो है फ्रेश एयर जो है प्रोवाइड करेंगे, एयर है पोल्यूटेड एयर है उसको साफ करने में जो है काफ़ी मददगार जो है वो साबित होंगे। अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा साबित होता है तो हो सकता है कि अगले सीजन में आप देखोगे 2-4 स्मॉग टावर जो है आपको और भी दिखाई देंगे। इसके अलावा बात करते हैं 6 नंबर का, तो मॉनिटरिंग ऑफ एयर पोल्यूशन हॉटस्पॉट, यानी कि जहाँ पे हॉटस्पॉट हो सकता है एयर पोल्यूशन का, ऐसे एरिया जहाँ पे एयर पोल्यूशन की जो है संभावनाएं बहुत ज़्यादा है वहाँ पे जो है मॉनिटर जो है वो बहुत गौर से जो है वो गवर्नमेंट करेगी और उस पर निगरानी जो है वो रखेगी। इसके अलावा एक ग्रीन वार जो है वो रूम बनाया जाएगा और इस ग्रीन वार रूम में आप देखोगे गवर्नमेंट जो है वो 50 इन्वायरमेंटल इंजीनियर को जो है वो हायर करेगी और स्ट्रेंथन करेगी कि उनको एक तरह से जो ग्रीन इन्वायरमेंट है उसको जो है वो बढ़ावा दें, किस तरह से जो है उसको आगे जो है वो देख रेख में कर सकती है गवर्नमेंट के। इसके अलावा जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो ग्रीन दिल्ली ऐप जो है ये भी लॉन्च कर रही है और इस ऐप के जरिए जो कॉन्स्टेंटली जो है गवर्नमेंट मॉनिटर करेगा और इसमें जो आप देखोगे जो भी पब्लिक यूज है कंप्लेन है वायलेशन का उस पर जो है मॉनिटर रखा जाएगा। कोई भी जो है उसे कंप्लेन करता है तो वहाँ पे उस पर मॉनिटर रखा जाएगा ताकि किसी भी तरह का जो इन नॉर्म्स है इनको जो है पूरे अच्छे तरीके से फॉलो किया जा सके। इसके अलावा जो अगला है वो है इको वेस्ट पार्क। अभी इको वेस्ट पार्क में क्या होगा कि ये एक ऐसा पहला जो है वो पार्क बनेगा जहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्शन जो है वो किए जाएंगे जहाँ पे 20 एकड़ लैंड में अलाउ किया जाएगा इस प्रोडक्ट को कि एक तरह से इकोनॉमिकल वेस्ट जो है वो बनाया जाए वहाँ पे और एक तरह से पार्क बनाया जाए जहाँ पे जो वेस्ट है उसको अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज किया जा सके। तो इस तरह से जो है ये इको पार्क काम करेगा। इसके अलावा बात करते हैं जो लास्ट है वो है वेहिकुलर पोल्यूशन, यानी कि जो भी व्हीकल से जो है वो निकलता है, वाहनों से जो प्रदूषण निकलता है उस पर जो है वो निगरानी रखा जाए, इसको जो है वो रिड्यूस किया जाए और इसमें आप देखोगे ऑड इवेंट जो है वो भी जो है वो आ सकता है। जो ट्रैफिक के पास जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, जब भी ट्रैफिक जाम होता है तो वहाँ पे उस पोल्यूशन को जो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा जो है वो निकलते रहता है क्योंकि जहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो एक साथ आ जाती है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा करती हैं। तो इस पर कंट्रोल रखा जाएगा कि ट्रैफिक का जो जाम है उसको भी जो है उतना ज़्यादा जो है वो ना बढ़ सके। और साथ में इसके अलावा देखोगे तो आप जो 64 कंजेशन पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ नेशन में पूरे दिल्ली में जो जहाँ जहाँ जो 64 कंजेशन पॉइंट्स है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम जो है वो लग सकता है उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको जो है ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो सबसे पहले किया जाएगा ताकि वहाँ पे जो पोल्यूशन कंट्रोल है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो होप सो कि आपको जो है ये पूरा 10 पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा और आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही इसका PDF जो आपको एग्जामिन टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो पढ़ते रहो, सीखते रहो, आबाद रहो, खुशहाल रहो। मैं हूँ प्रशांत राय, साइनिंग ऑफ।